ये भी पियानो तो पंप करता है ना, पंप करोगे तब ना बजेगा। अच्छा बोले ना मेरा सब कमरा ऐसे ही है। ये जो है सर का जो है वो बेटा का घर है। ये देखिए यहाँ पे बेड है, पहले जो राजा इसमें बैठते थे अंदर में। सीट देख सकते हैं, इसका गेट यहाँ से खुलती है। देखिए ऐसे खोल के हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज जो है फिर से हम लोग जा रहे हैं राजा की ड्यूटी। जो आप लोग से वादा किए थे गाइस, तो उसको जो है हम लोग उस वादे को आज पूरा कर रहे हैं। जैसे बारीकी से आपको एक एक चीज दिखाएंगे घर के, उसमें क्या क्या है। और उनके बहुत सारे फैमिली लोग आए हुए हैं लंदन से, जो लंदन में रहते हैं, उनके भाई लोग, उनके पूरे फैमिली मेम्बर जो है आज एक साथ उनके घर पे आने वाले हैं। और सबसे आज फेस टू फेस मिलेंगे हम लोग, फेस टू फेस बात करेंगे। भाई लंदन से आ रहे भाई, तो आज हम लोग मिलेंगे और बारीकी से आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे। पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ नहीं दिखा पाए, ज़्यादा थोड़ा बहुत ही दिखाए थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो जाके वो वीडियो देख लीजिए, मेरे चैनल पे अपलोड है राजा की डोरी। और आज जो है उसका सेकेंड पार्ट है। और आपको आज जो राजा और महाराजा को जो वापस से आप रियल लाइफ स्टाइल क्या वो लोग है, वो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो चलिए चलो गाइस, अभी जो है हम लोग चंपा नगर पहुँच गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं उसी रोड में आपको फिर से एक बार हम दिख रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं पहले आगे। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं और बहुत ही मज़ा आया, सफर भी बहुत अच्छा था। और राजा जी के घर जो हम लोग पहुँच चुके हैं, चलते हैं अंदर, देखते हैं कि कैसे कैसे परमिशन देना पड़ेगा, ठीक से लिख के देना पड़ेगा या कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। दोनों देखे ये जो है बाउंड्री जो है हो चुकी है, आइए करवा। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं राजा जी के घर पर, राजा की डोरी। तो अभी चलते हैं अंदर, गेट पर चलते हैं, फिर देखते हैं, बातचीत करते हैं आगे क्या होता है और आगे आप लोगों को दिखाते हैं। हम लोग आए थे ना, फोन करे देखिए मोबाइल। तो आज हम लोगों को तो ये अंकल जो है वो बोले कि बात करवाने के लिए इनसे, तो इनका नंबर था मेरे पास में, तो बात करवा दिए उनको। वो उनको बोले कि हाँ ठीक है भेज दीजिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, आप देखते हैं गाइस क्या एक्साइटिंग होने वाला है। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हूँ कि आज क्या होने वाला है। तो देख सकते हैं फिर वही वही गार्डन वही पेड़, देखते हैं आज क्या एक्साइटिंग होने वाला है। आज तो कुछ ज़्यादा मज़ा हमको लग रहा आने वाला है, क्योंकि वो पर्सनली फ़ोन करके कल बोले हैं कि कल आ रहे हैं ना आप लोग, तो हम बोले हाँ आ रहे हैं, तो आज जा रहे हैं। तो आज देखते हैं कि सर से मिलते हैं फिर क्या मज़ा क्या होने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड गाइस, चलिए चलते हैं। सर भी जो वहाँ बैठे हुए हैं सामने जो है सर पर देखे वहाँ पर बैठे हुए हैं, और चलते हैं देखते हैं कि आज क्या बातें होती है उनसे। चलिए चलते हैं। विशाल भाई एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड है यार। यहाँ पे दुर्गा स्थान है, इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, ये पूरे इलाके में मिला हुआ है। और दुर्गा स्थान में जो मूर्ति बनती है 1869 से वैसे ही बन रही है, एकदम सेम डिटो कॉपी। और यहाँ तो नकली गंगा वंगा नहीं रहता, यहाँ असली रहता है। और नौबत बजने का टाइम आ रहा है वहाँ पर भी, यहाँ भी नौबत बजता है गेट पर, शहनाई लाइव शहनाई बजती है। हम लोग सोचे सर आप भूल चुके होंगे, मतलब हम सोचे तो सुन। लोग आ चुके हैं फिर से सर के पास, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, आज लग भी रहे हैं बहुत। और हम लोग वापस से जा रहे हैं फिर से वो महल घूमने के लिए जो आप लोग दिखाए थे राजदरबार। तो सर के यहाँ देख सकते हैं कार कलेक्शन जो है, बाकी जो है सर के पास जो है BMW रोल्स रॉयल्स जो है ये सब भी कार है, वो सब जो वो लंदन में इनके बेटे के पास है। बाकी सर का पर्सनल कार है ये चार कार, जिसमें कि रेनॉल्ट है, स्विफ्ट डिजायर है, पीछे भी है, दो गाड़ी लगी हुई है, यहाँ से नहीं दिख रही है चीज़। दिखेगा इस यहाँ के पिलर क्या, मतलब कितने है? मतलब ये बोल रहे हैं कि लग ही ना कि घर, लग रहा कोई ब्रिज व्रिज नहीं बनता है। ब्रिज जैसे बनता है भी उस टाइप से, मतलब घर में तो हम लोग चार रड से पिलर बन जाता है, लेकिन भाई घर और महल में यही फर्क होता है। और हम लोग जा रहे हैं राज दरबार वापस से, और देखिए इनकी खूबसूरती कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। यहाँ राज दरबार देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये जो है सर के पापा हैं,
इनका जन्म जो हुआ था वो 17 दिसंबर 1918 में, विमलानंद सिंह बहादुर। इनकी मृत्यु के ये फाउंडर हैं आपको जी, दो तीन फाउंडर्स थे पूर्णिया कॉलेज के। अच्छा, पूर्णिया कॉलेज के फाउंडर थे। इनकी इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 31/5/1982 में, देख सकते हैं आप। इनके फादर हो गए राजा लीलानंद सिंह, इनके ये फादर हो गए राजा लीलानंद सिंह बहादुर, देख सकते हैं आप। जैसा कलयुगी कर्ण कहता था इस इलाके में। अच्छा, बहुत दान करते थे, इसलिए दान करते थे। हाँ, दान कहानियाँ सब बहुत अजीब है। मतलब कोई आया, एक बार कोई आया था साधु महात्मा कोई जी, तो बोला मेरा लोटे मसरफी भर दीजिए। अच्छा, तो लोटा मसरफी भर दिया गया जी। जब वो चला गया तो राजा लीलान सिंह ने कहा, बहुत बेकूफ था, हिलाता डुलाता तो और बैठता और दस्तों हटता। इन्हीं का स्टाफ लोग जानते थे कि उल्लू बना रहा है। अच्छा, दीवान वगैरह जो था वो अशरफी सुखाता था, जैसे मकई सुखाते हो ना जी जी, तो एक क्विंटल दोगे तो 90 किलो हो जाता सूख के। तो बोल रहा मालिक आज इतना घटी गले, 10 शेर घटी गले। तो वो जानते थे कि चोरी कर लिया है मगर चुप के हंस देते थे, इस टाइप की आदमी थी। इनके चचेरे भाई थे जिनके नाम पर श्रीनगर ब्लॉक है, राजा श्रीनंद सिंह। अच्छा, उनके नाम पर श्रीनगर ब्लॉक है, इनके खास चचेरे भाई थे। इनके खास चचेरे भाई के नाम पे जो श्रीनगर ब्लॉक है हमारा बगल में यहाँ से, तो उन्हीं के नाम पे ही है राजा श्रीनंद सिंह। इनके फादर है ये राजा बेदानंद सिंह। ये सब कोई फोटोग्राफी नहीं, ये सब रियल पेंटिंग है जैसे आप देख रहे हैं ऊपर में। इस बार तो हम लोग सब लोग अपने ही भाई लोग हैं खाली, कोई बच्चा लोग नहीं आया। अच्छा, तब तो हाँ, तो मन किसी को नहीं है, मन नहीं लग रहा है सर। हम लोग भी आर्टिस्ट ही हैं, हम लोग शास्त्रीय संगीत सीखते हो तो मेरे छोटे भाई से बात करो, बहुत लोगों को सिखाता है। हाँ, सर एक बार ये पियानो दिखाइए ना, देखिए ये जो है सर के जो है पियानो है, बहुत ही पुराना। यहाँ से खुलेगा, देख सकते हैं पियानो का बटन भी जो है। अच्छा, ये बज रहा है अभी भी। अच्छा, ये बजाने वाला भी नहीं, इसमें ही पियानो है। ये भी पियानो तो पंप करता है ना, पंप करोगे तब ना बजेगा। अच्छा, ये ना पंप है इसमें भी, उसमें भी। अच्छा, इसमें भी पंप किया हुआ, इसमें भी पियानो ही है क्या? हां, इसमें भी पियानो, छोटा छोटा पियानो, पेट्रोल वाला। अरे वाह, ये इसका पेट्रोल वाला है, वो पैर बहुत वहां पर पंप है। ओहो, अच्छा, यहां पे नीचे में पंप दिया हुआ है, तब ये पियानो। देखिए कितना इसके बटन देख सकते हैं आप, कितना पुराना हो गया, मतलब बहुत ही ज्यादा पुराना है, बहुत ही ज्यादा। और सबसे खूबसूरत चीज देख सकते हैं गाइस, ये कुर्सी बहुत ही एक्सपेंसिव लग रही है देखने से, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये पुराना ज़माना का जो कुर्सी है, अभी नहीं मिलेगी कहीं पे, जो ये हैवी लग रहा है, और आजकल ऐसा कभी मिलेगा भी नहीं, कितना ही पैसा दे दीजिए ये चीज़ नहीं मिलेगा क्या लग रहा है। यहाँ के पर्दा के भी अलग एक खूबसूरती है, ये जो है 15 साल पे एक बार चेंज की जाती है। तो दोस्तों, आइए आपको दिखाते हैं एक सबसे प्यारा चीज़, ये देखिए, ये है बग्गी। इस पे जो है राजा महाराजा पहले इस पे बैठ के पूरे शहर पे घूमते थे। देखिए सर, सीट देखिए, अभी भी सीट जो है लग्जरी लग रही है, उस टाइम भी बहुत अच्छा। ये है दरवाज़ा, यहाँ से ये दरवाज़ा खुलती है और दरवाज़ा से अंदर जाके राजा लोग अंदर बैठते थे, फिर इसको ऐसे बंद कर दीजिए, और आगे जो दो घोड़े लगाए जाते थे ताकि इसको घोड़ा खींच सके बाहर। और यहाँ पे पीछे देखिए, यहाँ पे जो उनके दो जो है गार्ड रहते थे, सिपाही चढ़ के इसके ऊपर और पीछे तैनात रहते थे कि उनको कोई दिक्कत ना हो। और एक चीज़ सबसे, ये जो टायर देख रहे हैं आप, ये टायर अभी के टायर नहीं है, उस ज़माने का टायर है जो अब नहीं मिलेगी। ये टायर जो बहुत ही ज़्यादा हेवी है, बहुत ही मजबूत है, ये जो सभी जगह चल सकते हैं। और इस साइड भी जो है देख सकते हैं कि आप गेट है, और सामने देख सकते हैं यहाँ पे जो बग्घी को चलाने वाले जो चालक बैठते थे और यहाँ पे जो घोड़े को चलाते थे। तो दोस्तों, ये देखिए, ये वाइल्ड वाटर बफलो, ये ओरिजिनल है। तो हम लोग यहाँ से राजरपास निकल चुके हैं गाइस, अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पे हमेशा जो लोग जो है मेंटेन करने के लिए 2-4-5 लोग लगे हुए रहते हैं, जो हमेशा घास को, फूल को, एक एक चीज़ को बारीकी से मेंटेन करते हैं। अभी भी हम आए थे तो वहाँ पे एक लोग, दो लोग काम कर रहे थे, है ना। लेकिन मतलब ये घर की क्या खासियत है, इसमें जो एक भी ईंट नहीं है, बस कॉन्क्रीट की बनी हुई है। इसके ऊपर देख सकते हैं वहाँ पर जो है शहनाई बस्ती है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सर जो है खुद से हम लोग को घुमा रहे हैं, अपना कीमती समय हमको, इतना बड़ा कीमती समय हम लोग को दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो है देखिए, ये कपूर का पेड़ है, जो कपूर हम लोग, जिस कपूर से हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उस कपूर का पेड़ है ये।
ये है सर का गैराज, देख सकते हैं जैसे यहाँ पे गाड़ी वाड़ी पार्क है, घर के डिजाइन देख सकते हैं कितना आपको देख के ही लग जाएगा, अनुमान लगा लीजिए देख के ही कि ये जो है कितना भव्य लग रहा है देखने में। और यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे सर के जो है बैठकी है देख सकते हैं, आपको रेलवे स्टेशन में भी आपको कहीं कहीं दिखती होगी ये चीज़, ये चेयर जो है इसकी खूबसूरती देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, इसमें बैठने का अलग ही फील है भाई। यहाँ देखिए ये सर का जो है बैठकी है, देखिए जोगबनी वाड़ी और कुर्साघाटा जो हमारे अभी जो बिहार में है, ये सब पहले जो थे वो नेपाल में पढ़ते थे राजा दुलार सिंह, ये हाँ वो जो छीन के नेपाल से हम लोग भारत के अंदर ला के उसको रखे थे। देखिए ये रियल गाइस, ये तीर धनुष जो हम लोग पहले देखते थे बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, और ये देखिए तीर, ये घर के अंदर आ गए हैं सर के हम लोग। और देखिए सबसे खूबसूरत चीज़ देखिए ये घड़ी, कितने पुराना घड़ी है, अरे भाई सब कमरा ऐसे ही है। ये जो है घर में सब कमरा ऐसे ही है, ये जो है सर का जो है वो बेटा का घर है, ये देखिए यहाँ पे बेड है और बाकी यहाँ पे कुछ चेयर लगे हुए हैं, बाकी अलमीरा है। बहुत ही ज़्यादा भव्य लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, अंदर में एकदम बहुत ठंड है, ठंडकपन है। और यहाँ पे देखिए घर के मतलब बेड के बगल में बेड लैंप है लगा हुआ, पीछे में कुछ पेंटिंग वगैरह है। ये सर के जो लड़का है वो उनके वाइफ के साथ में अपने सबसे खूबसूरत चीज़ दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे, ये देखिए झरना, घर के सामने झरना भाई, सामने पीछे बिल्डिंग सामने झरना, तो इसके अंदर जो मछलियाँ भी कुछ रहती है लेकिन अभी मछलियाँ नहीं है इसके अंदर। देखिए गाइस ये पानी है, बहुत ठंड पानी है। और चलते हैं आगे, और देखिए सबसे खूबसूरत यहाँ पे बैठकी है सर का, ये जो है सर का बैठकी है, सर लोग बैठते हैं, चार लोग पांच लोग बैठते हैं, अभी इसमें टेबल लगती है और महफिल जमती है। सर जो है MBBS भी किए हुए हैं और वो 48 वर्ष से सर कॉलेज भी नहीं गए, 1974 में सर जो यहाँ पे आए थे तो फिर उसके बाद सर यहीं पे रह गए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग सुबह आए थे और अभी शाम हो गया, और हम लोग जो अभी सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं आपको सबसे यूनिक चीज़ दिखाएंगे। अभी हमारे जो उस्ताद बिस्मिल्ला खान जो पहले हमारे सनाई वादक थे, उन्हीं के फैमिली जो रिलेटिव्स जो है अभी आए यहाँ पे और यहाँ पे सहनाई बजा रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं उनके फैमिली है, आपको उनसे इंट्रोडक्शन कराते हैं, उनका सहनाई सुनाते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं, देखिए नीचे हाइट देखिए कितना ज़्यादा है, और आइए आपसे आपको उनसे मिलाते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, आपको जो अभी जो हम लोग सहनाई सुनाने के लिए लेके जा रहे हैं ये थोड़ा हटके है, ये यूनिक सहनाई, अगर सहनाई सुनने में अगर मज़ा नहीं आया तो फिर आप मुझे कहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और ये सहनाई को आप एकदम बारीकी से सुनिए, क्या मतलब मज़ा आ जाएगा अभी। चलिए आपको उनसे मिलाते हैं। आपका नाम क्या हुआ अंकल? हमारा नाम रोशन अली खान है। रोशन अली खान है, ठीक है, एक बार सुनाइए ना कुछ आवाज़ हम लोग को। तो देखा गाइज आप लोगों ने कि क्या सहनाई थी, मतलब अनएक्सपेक्टेड थी, कुछ भी कभी हम सोचे भी नहीं थे कि ऐसा मतलब यहाँ तक ऐसा हम लोगों को सुनने को मिलेगा, कितना प्यारा था वो सहनाई। तो मतलब ये रियल थी, जो हम लोग सुने थे पहले फ़ोन में सुने थे या फिर कभी ऑडियो रिकॉर्ड में, लेकिन ये लाइव आँख के सामने 2 फीट के दूरी पर वो बैठ के बजा रहे थे, बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा। आप लोग कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट, ये चीज़ खास करके हमको ये कमेंट चाहिए कि आप लोग को ये साउंड कैसा लगा, दिल से कमेंट करें यार, बहुत ही मज़ा आ गया मतलब।
आइए प्रसाद खा लीजिए। तो गाइस हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं सरकारी मिल के। तो ये देखिए जो दिए थे सर पत्रस ये इसको लेके जा रहे हैं। रियल टेस्ट है भाई, रियल टेस्ट है। और जो है देखो शाम रात हो गया, आप देख सकते हैं पीछे, देखिए पूरा रात हो चुका है। और आए थे कब वो अभी आपको देखे थे, आए थे पूरे दिन में और हो गया रात। एक्चुअली क्या हुआ ना कि हम ज़्यादा आप लोगों को इंटरव्यू का वीडियो नहीं दिखा सके, इसलिए सॉरी। और क्या बताया यार, मत मज़ा आ गया। अभी जो हम लोगों को परमिशन दिया गया कि मंदिर जाने के लिए, मंदिर में जो है सर को फ़ोन कर दिए, वहाँ पे जाएंगे, हम लोग के लिए गेट खुला हुआ है और हम लोग जाएंगे अभी मंदिर विजिट करने के लिए। बहुत ही मज़ा है यहाँ पे, आप देखें क्या क्या सब कुछ, जैसे आपको सहनाई सुना है और फिर सब कुछ। और एक बात की वीडियो ज़्यादा हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए सर का, जो हम लोग इंटरव्यू लिए सर के, सर से। तो खैर अभी चलते हैं मंदिर, यहाँ से चलिए मंदिर का सीन दिखाते हैं आपको। आ चुके हैं हम लोग मंदिर, देख सकते हैं यहाँ का जो है चंपा नगर का ये मंदिर है, देवी घर बनेली चंपा नगर। देखिए ये मूर्ति बैठती है चंपा नगर प्रांगण में, देखते हैं राजा जी के कहने पर जो है बात करने पर हम लोग अंदर आए हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि हम लोग जो यहाँ पे देख सकते हैं अंदर में कोई नहीं है, बाहर से देखिए बाहर से जो है दिया जलाने के अलावा ओवर भीड़ है बाहर में, और अंदर आने का किसी को परमिशन नहीं है। हम लोग जो है हम लोग उन राजा के थ्रू जो है यहाँ पे कॉल किया गया कि मेरे कुछ तीन लोग जा रहे हैं वहाँ पे, आप लोग उसको आने की परमिशन दीजिए। तो हमारे साथ में उनका एक यहाँ पे स्टाफ आया हुआ है, हम लोग अंडर एंट्री करवाया मतलब मंदिर के अंदर, मतलब बहुत ही प्राउड फील हो रहा है अपने आप पे, अच्छा लग रहा है ये कि माँ का दर्शन करने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि माँ का दर्शन जो हम लोग सामने से कर रहे हैं। जाना तो अररिया लेकिन आ गए विक्की भाई घर बसेटी, और बहुत ही अच्छा गांव है, बहुत ही मजा आया यहाँ पे घूम के। और अभी हम लोग खाना वाना भी खा चुके हैं, सोचा वीडियो को एंड कर देते कि हम लोग आपको बताया कि हम लोग उनके फैमिली से जाके मिलेंगे, तो किसी कारण बस उसके फैमिली नहीं आ पाए इसलिए हम लोग उनसे नहीं मिल पाए, उनका वीडियो शूट नहीं कर पाए, इसके लिए सॉरी गाइस। तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि एक वीडियो हम पहले भी डाले थे राजा वाला, आप लोग नहीं देखे तो पहले उसको भी देखिए जाके, तब ये ब्लॉग समझ में आएगा। और आप लोग से प्रॉमिस किए थे पिछले वीडियो में कि 8 पूजा को हम लोग जाएंगे राजा जी के घर, और गए और एक एक चीज़ बारीकी से दिखाया आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए ब्लॉग में, तब तक जय हिंद जय भारत गुड नाइट। ये विक्की भाई क्या लगा के रखे हैं अपने रूम में, खतरनाक लग रहा है गाइस।